स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में गिवन है द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासिस थ्रू द ओरिजिन। दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास करेंगी एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट दिस नंबर। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे मतलब थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। 9x + 5y = 45 है। अगर x वैल्यू जीरो पुट करोगे मतलब अगर x इंटरसेप्ट फाइंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है x वैल्यू जीरो पुट करो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है x वैल्यू जीरो पुट करोगे वैल्यू ऑफ y आ जाएगी आपके पास 9। दिस नंबर इज योर y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है y वैल्यू जीरो पुट करोगे y जीरो पुट करोगे x इंटरसेप्ट आ जाएगा 5। मींस x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है y जीरो पुट करो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है x जीरो पुट करो। इससे हमारे पास आपकी इक्वेशन आ गई है। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर पाओगे मींस x इंटरसेप्ट है 5, 0 x 5 y 0 एंड y इंटरसेप्ट है 0, 9। ये दो इंटरसेप्ट्स पता है 5, 0 एंड 0, 9 एंड गिवन है द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट मतलब जो दो लाइंस बनेगी L1 एंड L2 जो दो लाइंस बनेगी L1 एंड L2 दो लाइंस बनेगी दोनों लाइंस इसको ट्राइसेक्ट डिवाइड करेंगे मतलब थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब इसकी रेशियो 1:1:1 हो जाएगी। मींस अगर मैं बोलूं कि ये ए एंड बी है स्ट्रेट लाइन इसे मैं यूज करता हूं सी एंड डी पॉइंट्स O origin, क्योंकि origin से पास हो रही है। If M1 and M2 be the slopes of the line L1 and L2, actually हमें slopes find out करने हैं OC and OD line की slopes find out करने हैं। Then point of intersection, बेटा ये फिर discuss करेंगे। Firstly हमें C and D points required हैं। C and D points देख रहा है बेटा ratio given है। Section formula use करोगे C and D points आ जाएंगे। Section formula for C point अगर हम C point find out करना है बेटा ये दो टर्म्स है ये सिंगल टर्म है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे रेशियो हो जाएगी 2:1 2:1 यूज करोगे एंड सी पॉइंट आ जाएगा ए एंड बी पता है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो फॉर सी पॉइंट फाइंड आउट करना है 2 × 5 सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा 2 × 5 + 1 × 0 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 कॉमा 2 × 0 + 1 × 9 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1। बेटा इस चीज से आपके पास पॉइंट आ जाएंगे सी के 10, 3 एंड 9/3 मींस 3 हो जाएगा। ये आपके पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। नाउ सी फाइंड आउट हो गए इसके बाद बेटा डी C पॉइंट्स आ गए हैं 10, 3 × 10/3 डी पॉइंट्स एक्चुअली डी पॉइंट्स मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो जाएगा। ये दोनों 1:1 है ना मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो जाएगा मींस डी कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा मिड पॉइंट डी पॉइंट हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी करो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। दिस नंबर इज 10/3 + 0/2 एंड सेकेंड नंबर 9 + 3/2 ये डी पॉइंट आ जाएगा आपके पास 5/6 सॉरी इट इज 5/3, 6 डी पॉइंट्स भी आ गए बी पॉइंट भी सी पॉइंट भी आ गया एंड डी पॉइंट्स भी आ गए। ये दोनों पॉइंट आ गए 5/3, 6। नाउ जो क्वेश्चन में गिवन है इफ M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन L1 L2 M1 एंड M2 इस लाइंस की स्लोप है L1 मतलब OC M2 मतलब OD बेटा ये ओरिजिन पता है। टू पॉइंट्स के साथ अगर दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो आप मतलब इससे आपके पास स्लोप ऑफ OC आ जाएगी। स्लोप ऑफ OC दो पॉइंट से y2 − y1 / x2 − x1 y2 − y1 / x2 − x1 इससे आपके पास स्लोप आ जाएगी 9/10 और स्लोप ऑफ ओसी को आप रिप्रेजेंट कर दो M1 आपके पास फर्स्ट स्लोप आ गई 9/10 M1 स्लोप आ गई ओसी स्लोप। नाउ ओडी स्लोप
स्लोप ऑफ ओडी लाइन, अगेन दो पॉइंट्स पता है, फिर दोबारा पॉइंट्स टू पॉइंट्स से स्लोप फाइंड आउट करोगे, दिस इज 6 माइनस 0 अपॉन 5 बाय 3 माइनस 0, ये ऊपर चला जाएगा 18 बाय 5, मतलब ये स्लोप ऑफ ओडी आ गया मींस m2, ये दोनों स्लोप्स आ गए। इक्वेशन फाइंड आउट करो इसके बाद, y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू x, इक्वेशन जो इक्वेशन है फाइंड आउट करोगे y इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू x, y m1 है 9 अपॉन 10, m2 है 18 बाय 5 इनटू x, इक्वेशन आ जाएगी। नाउ y एलसीएम लगाओगे 10, 9 प्लस 236x, ये हो जाएगा 45 बाय 10, 45 बाय 10 मींस 5 से डिवाइड करोगे 9 अपॉन 2x हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 9 बाय 2x, y वैल्यू भी आ गई, y मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ गिवन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस, जो कि हमने फाइंड आउट किए, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है विद एल लाइन, एल लाइन बेटा जो गिवन लाइन है, इस लाइन के साथ इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ये 9 बाय 2 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लाइन के साथ, इस पर्टिकुलर लाइन के साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करो वैल्यू पुट, 9x वैल्यू ऑफ y पुट कर दो बेटा, 5 इंटू 9 अपॉन 2x इज इक्वल टू 4, सॉरी इज इक्वल टू 45, एलसीएम लगाओगे 18 प्लस 45x, 18x प्लस 45x होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45, 63x इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 97 द 95 द, आपके पास x वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 7, x वैल्यू आ जाएगी 10 बाय 7, x वैल्यू आ गई 10 बाय 7। नाउ इसे पुट करोगे इसी टर्म में बेटा, वैल्यू ऑफ y भी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y इसे इस नंबर के अंदर पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ y हो जाएगी 9 अपॉन 2 इंटू 10 बाय 7, 5 y इज इक्वल टू 45 बाय 7 आ जाएगा आपके पास, y आ गया 45 बाय 7, x भी आ गया एंड y भी आ गया, दोनों नंबर्स आ गए। क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो पॉइंट्स आए हैं 10 बाय 7 एंड 45 बाय 7 किस इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे, बेटा ये पॉइंट्स को पुट करो वन बाय वन, सारी इक्वेशंस में पुट करोगे आंसर आ जाएगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा बेटा, इसी जगह पे चेक करो 45, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करो, ये नंबर आ जाएगा 45 बाय 7 माइनस 10 बाय 7, दैट इज 35 बाय 7 मींस 5, बेटा फर्स्ट इक्वेशन में ही सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन ए ही आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।